हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सावन सोमवार व्रत स्पेशल रेसिपी साबूदाना बड़ा। सामग्री इस प्रकार है: 100 ग्राम आलू, 100 ग्राम साबूदाना, 70 ग्राम मूंगफली दाना। तो आलू को हमने उबाल करके लिए हैं और इन्हें कद्दूकस कर लिए हमने। अब हमने यहाँ पर साबूदाना लिया है 100 ग्राम, तो इसे हमने भिंगो दिए थे 3-4 घंटे के लिए और इसका ये फूल करके हमारे 200 ग्राम हो गए हैं, 2 बॉल भर आ गए हैं। और इन्हें भी ले लिया हमने, 100 ग्राम साबूदाना है और 70 ग्राम हमारे मूंगफली दाना है, तो इन्हें अधिक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इन्हें हमने मैश कर दिया है, तो मूंगफली दाने भी हमने बारीक करके लिए हैं मिक्सर में। अब मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है स्वाद के अनुसार, 2 कटी हुई मिर्च डाली है और जीरा मसल करके डाला है हाथ से हमने। अब मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली है और इसमें नींबू निचोया है हमने, 1/2 नींबू निचो कर डाला है मैंने। लाल मिर्च डाली है हमने इसमें, 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च डाली है और 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। हमने मिक्स कर लिया है, मैंने 2-4 दाने इसमें शुगर के डाले हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमें हाथ में तेल लगा लिया हमने थोड़ा सा और इसके बॉल बना लिए हैं और इन्हें बड़े टाइप के बना दिए हमने बॉल। इसे हथेलियों से प्रेस करके तो इस तरह से हमारा साबूदाना बड़ा बन गया है। अब मैं एक और बनाती हूँ, तो इसे भी हमने इस तरह से बनाया है गोल, हाथों से प्रेस करके हथेलियों से। ये देखिए हमारा साबूदाना बड़ा बन गया है। अब मैं पूरे बना लेती हूँ, तो हमारे पूरे साबूदाना बड़े बन गए हैं। गैस ऑन करके मैंने पैन गर्म रखा है और इसमें ऑयल भी हमने 100 ग्राम लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसे हमें बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना है, धीमी आंच पर ही हम इसे बनाएंगे, जिससे ये खूब अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे। अब हम इन्हें पलट देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इन्हें पलट दिए हैं, कितना अच्छा सा कलर आ गया है और अच्छे ये फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर में आ गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनते हैं साबूदाना बड़ा।
ये देखिए ये हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर धनिया पत्ती इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड कीजिए तो और अच्छे लगते हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मैंने इसमें कम ही डाली है। बहुत ही टेस्टी यमी हमारे साबूदाना बड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पर पैन में 1 टीस्पून ऑयल लिया है और ज़ीरा तड़काया है। इसमें 1/2 टीस्पून 2 कटी हुई मिर्च डाली हमने और इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं, तो 2-4 पत्ते ले सकते हैं पर मैंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा लिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। और इसमें बच जाते हैं तो और भी कुछ काम आ सकते हैं वो। अब मैंने दही लिया है और दही में इसको फ्राई करके मसाले को इसमें ऐड किया है तो हमारा दही फ्राई बन गया है और हमारे बड़े तैयार हो गए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो यूट्यूब चैनल पर वंदना किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आप नहीं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए मैं इसे